हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। सितंबर चला गया है और अक्टूबर, आज अक्टूबर की पहली तारीख है, अक्टूबर की शुरुआत हो गई है और हमें सर्दियों की बहुत सारी सब्जियां लगानी हैं। तो आज 1 अक्टूबर है, आज हम बहुत सारी सब्जियां लगाएंगे, पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे, जो ये ग्रो बैग और टब मिट्टी सुखा के अच्छे से धूप में और इनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक चीज़ें डाल के रेडी किया था। तो इनमें पत्तेदार सब्जियाँ लगाएँगे और आलू आज लगाएंगे। आज आप लोगों से आलू लगाना शेयर करेंगे, कैसे लगाते हैं हम और कई साल से आलू लगाते हैं, ये तीसरी बार हम लगाएंगे आलू। तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है जब आलू जब मिलते हैं, हार्वेस्टिंग मिलती है आलू की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमें कद्दू का प्लांट पहले से जो लगा था, बहुत अच्छे से उनमें फ्रूटिंग मिल रही है, बस 1-2 ऐसे मिलते रहते हैं कद्दू और हटा नहीं पाते हैं, हटाने का मन नहीं करता है, इतने प्यारे इनमें कद्दू लगते हैं, बहुत खूबसूरत, और फूल भी मिलते रहते हैं कद्दू के। और ये चेरी टमाटर है जो अपने आप से पिछले साल एक प्लांट हमारे गार्डन में उगाया था, तो बहुत सारे इस पे चेरी लगे थे, बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिली थी हमें, बहुत अच्छा लगा था। तो ये अपने आप से उगा है और कई जगह पे चेरी टमाटर अपने आप से फिर से उगे हैं, तो उन्हें सेपरेट करके यहाँ पर लगा दिया है मछली के डब्बे में। और इसमें हमने बड़े वाले टमाटर के सीड भी डाल दिए हैं, तो वो भी तैयार हो रहे हैं, उनको भी लगाएंगे। और गोल वाली मिर्ची भी 2-3 प्लांट लगे हैं, उनको भी डाल दिया था, सीड डाल दिए थे मिर्ची के, और इधर बड़ी वाली मिर्ची के सीड डाले थे, तो वो भी बड़े बड़े प्लांट हैं और सेपरेट भी किया है और बहुत सारे लगे भी हैं। और इधर बैंगन हमारे, अब अच्छा मौसम होने लगा है तो बैंगन भी अच्छे से लगने लगे हैं, तो बैंगन की हार्वेस्टिंग मिलने वाली है अगर बंदर नहीं आए तो। बंदर आके चले गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे थे तो नुकसान नहीं किया है, नहीं तो बंदर खा जाते हैं बैंगन, बर्बाद कर जाते हैं, खाते कम हैं और तोड़ के फेंक देते हैं, और जब जाते हैं ऊपर तो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बैंगन लगे हैं, लेकिन यही डर लग रहा है कि कभी भी बंदर आ जाते हैं, और देख के आओ कि अच्छे से लगे हैं और उसके बाद जाओ तो देखो इधर उधर फेंक के चले जाते हैं तोड़ के। ऐसे ही अनार के भी जितने भी फ्लावर हैं वो भी खा के चले जाते हैं, और करेला भी यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे हमारे जो क्यारी में करेला लगा था तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें हार्वेस्टिंग मिली थी, अब वो प्लांट ख़राब सा हो गया है, कीड़े बहुत सारे लग गए हैं उनमें, और ये वाला बाद में लगाया है तो इसमें अब अच्छे से फ्रूटिंग होने लगी है। और इधर जो चना लगाया था, आप लोगों से शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, पूरा टब भरा है और अभी जल्दी ही लगाया है, 10-12 दिन हुए। तो आज आलू लगाएंगे, तो आलू हम लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी लगाएं। और ये चौलाई जो अपने आप से निकलती रहती है गार्डन में, सब टब में और गमलों में, बहुत अच्छा लगता है अपने आप से ये निकलते रहते हैं। और ये बैंगन, जो बैंगन लगने लगे हैं, इसको दूसरे बोरी में रिपोर्ट किया है, बोरियां फट जाती हैं तो दूसरे में करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम गार्डनिंग करते हैं, फ्री की गार्डनिंग होती है, ज़्यादा पैसा हम खर्च नहीं करते हैं, बोरियों में बहुत अच्छे से सब्जियां होती हैं। ये अपने आप से ग्रो बैग बनाया था और इसमें हल्दी लगाई थी, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छे से हल्दी इसमें ग्रोथ कर रही है। और जो सूखे पत्ते हैं तो उन्हें हटाते रहना चाहिए, और इसमें देखिए हल्दी की खुशबू आती है, बहुत अच्छी इसमें आती है खुशबू, तो ये पत्ते इसी में किनारे साइडों में हम दबा देते हैं, और हल्दी बहुत अच्छी अब की बार हुई है हमारी, पिछली बार लगाया था थोड़ी ही हल्दी मिली थी, लेकिन अब की सही टाइम से हमने लगा दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आलू किचन के ही हैं, हमने मार्केट से नहीं मंगाया है, जो सब्जी बनाने के लिए आलू आते हैं तो उन्हीं को रख दिए थे, तो स्प्राउट हो गए हैं इसमें, तो काफ़ी दिन से ये रखे हुए थे, लगभग 20 दिन से या 1 महीने से ये रखे थे, तो ऐसे ही टोकरी में करके रख दिया था कि सड़े ना, तो अगर हम काट के इसे लगाएंगे तो ये गल जाएंगे, तो काटना बिल्कुल भी नहीं है, जब हम घर में बोरियों में या गमलों में लगाएँ तो इसे काट कर नहीं लगाएँ, पूरा पूरा आलू ऐसे लगा देना है। तो ये बोरी देख रहे हैं आप लोग, ये चावल की, दाल की और आटे की बोरियां होती हैं जो वेस्ट में इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो उसमें नीचे सारा किचन का, गार्डन का कचरा भर के, जो सब्जियों के छिलके और गार्डन की पत्तियां, वेस्ट जो लकड़ियां, टहनियां होती हैं, वो सब कुछ नीचे भर दिया है। जिसका सीज़न ऑफ हो जाता है वो सब प्लांट हटाने हमें पड़ते हैं, हम लोगों को वही सब हम भर देते हैं नीचे बोरियों में, और फिर बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं, और इसमें धान की भूसी और मिट्टी और बालू की मात्रा होती है अपने मिट्टी में, तो बालू नहीं मिलाया है, एक भाग मिट्टी, एक भाग कोई सा भी कंपोस्ट और एक भाग धान की भूसी,
धान की भूसी हम ज़्यादा मिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मिट्टी हमारी बहुत हल्की हो जाती है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है और पोषक तत्व से भरपूर हो जाती है। और हल्दी और राख मिलाते हैं, आप लोगों से शेयर भी किया है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे है। तो आलू स्प्राउट जब हो जाएँ तो वही जो अच्छे से हम भरते हैं बोरियाँ और मिट्टी बनाते हैं, वही थोड़ी मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं। तो ऐसे ही हम सारे ग्रो बैग भरते हैं, ऐसे ही हम सब्जियाँ लगाते हैं जो भी लगाते हैं, और फिर मिट्टी में पानी डाल के रख दिया था कई दिन के बाद। फिर आज हम आलू लगा रहे हैं, तो मिट्टी हटा के और फिर ये जो अंकुरित है आलू, जो बड़े बड़े स्प्राउट निकले हैं, उन्हें ऊपर की तरफ रखना है और आलू रख के फिर इसे अच्छे से हल्के से बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो ये स्प्राउट जो निकले हैं, पत्तियाँ निकली हैं, यहीं से पत्तियाँ निकलेंगी, टहनियाँ निकलेंगी, तो ये टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी 4-5 आलू एक बोरी में हम लगा रहे हैं, तो और इसके बाद भी हमें मिट्टी भरना होता है, तो इसीलिए बोरी में जगह भी रखना होता है गमले में, जिस चीज़ में भी लगाएं, चाहे टब में, गमले में या मछली के डब्बे में, कोई कंटेनर हो या कोई टूटी फूटी बाल्टी या टब हो, तो मिट्टी बार बार डालनी होती है आलू में। हमें एक महीने के बाद इसमें खाद और मिट्टी मिक्स करके फिर ऊपर से डाल देना है जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अक्टूबर का, अभी हम अच्छे से आलू लगा सकते हैं। अगर पहले लगाते तो गर्मी की वजह से सड़ जाते सारे आलू, तो इसीलिए वेट कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो थोड़ा और अक्टूबर की शुरुआत हो जाए तभी लगाएं। तो ये 2 बोरियां हमने रेडी की थी आलू लगाने के लिए, नीचे सारा वेस्ट भरा हुआ है, ऊपर से थोड़ी मिट्टी है और बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी मिट्टी बनानी है और खाद की मात्रा अच्छे से रखनी है। और देखिए ऐसे मिट्टी हटा के और आलू ऐसे रख देना है, जो भी स्प्राउट है उसे ऊपर रखना है जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, यहाँ से टहनियाँ निकलेंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है उसी साइड में हमने इसे रख दिया है बोरियों को। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद है और बहुत ज़्यादा इसे गीली मिट्टी नहीं पसंद है, तो पानी की मात्रा बहुत देखभाल के देना है पानी हमें, जब मिट्टी सूखी लगे तभी देना है। और जब थोड़े बड़े हो जाएंगी इनकी ब्रांचें टहनियाँ, तो एक महीने के गैप पर इन्हें अच्छे से खाद में मिट्टी मिला के, अच्छे से मिट्टी खाद को मिक्स करके देना है और इनकी जड़ों को बंद कर देना है, तो इनमें बहुत अच्छे से आलू बनते हैं। तो पिछले साल हमने लगाया था, बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग मिली थी, पिछले साल भी 2 चीज़ों में हमने लगाया था, तो गमला भी लेना नहीं पड़ता है और बोरियों में बहुत अच्छे से आलू हो जाते हैं। कोई भी सब्जी हम वेस्ट चीज़ों में लगाते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो बोरियों में ये सीजन वाली सब्जियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा पलट के और हार्वेस्ट कर लें और बोरियाँ फिर फेंक दें और नीचे जो भरते हैं वो सारा खाद बन जाता है, तो वो खाद के रूप में हमें मिल जाता है। और बोरियाँ भी हटा देते हैं क्योंकि वो गल जाती हैं, वही 5-6 महीने के बाद इसे हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर मिट्टी हमें मिल जाएगी और खाद भी। तो इसी तरीके से आप लोग भी आलू लगा सकते हैं जिन्होंने नहीं लगाया है अभी तक, क्योंकि खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ें जब हम लगाते हैं और हार्वेस्टिंग मिलती है, अपने हाथों से लगाई हुई चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।